हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो कल से बच्चे जो हैं पेपर देकर आए हैं, तब से यही चीज़ पूछ रहे हैं इंस्टा पर, टेलीग्राम पर कि सर कटाप जो है वो कितनी जा सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं पेपर जो है एकदम हलवा था, मतलब इतना हलवा था कि कुछ ज़्यादा हलवा हो गया है, कुछ लोग ज़्यादा बता रहे हैं। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आप लोग जो है किसी से बात करते होंगे तो कहीं दो बच्चों से बात कर लिया, कहीं तीन बच्चों से बात कर लिया और उन्होंने कहा मैंने इतना किया, मैंने उतना। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारे पास या हम लोग के चैनल पास इतने सारे बच्चे हैं कि कम से कम हम लोगों ने 2,000-2,500 लोगों से हमने बात किया है कल से, ठीक है। जो बच्चे मैसेज किए हैं इंस्टा पर, मैसेज किए कितने अटेम्प्ट किए हैं, क्या चीजें हैं। तो अभी जो है आंसर की के पहले जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है उस हिसाब से हम आपको कटाप बता देते हैं। जब जैसे ही आंसर की ऑफिशियल वाली आ जाएगी, जो कि 1 से 2 दिन में आ जाएगी, उम्मीद है 1 से 2 दिन में आ जानी चाहिए, जैसा कि UP SSSC हर एक परीक्षाओं में करता है। तो जब आ जाएगी तो उसके बाद में हम लोग सर्वे वगैरह करवा लेंगे, मतलब अपना जो है यूट्यूब के माध्यम सर्वे हो जाएगा और फिर जो है कटाप हम लोगों को निर्धारित अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो मैं आज आपको कटाप बताने जा रहा हूं, इस कटाप के अंदर अगर आप आते हो तो आप अपनी जो मेंस की तैयारी है, जो लेखपाल वगैरह की जो तैयारी है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले तो जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हो या पुराने व्यूअर्स हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक बेहतरीन अपडेट यहां पर मिल सके चैनल पर और आपको तैयारी भी अच्छे से करवाई जा सके। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आप लोग कर भी लिए होंगे सब्सक्राइब। तो ये चीजें जो है आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि बहुत हलवा आ गया, पेपर ये आ गया, कुछ बच्चे भी कह रहे हैं बहुत सारे इजी पेपर आ चुके हैं। लेकिन हम जो एनालिसिस किए हैं तो इसमें यही आया है कि सब बच्चे ये बता रहे हैं कि सर मैंने अटेम्प्ट तो 70 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन हमने किया है। आपने भी किया होगा, जाहिर सी बात है कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं। तो भाई अच्छे तो कुछ ही होंगे ना, एवरेज तो ज्यादा बच्चे होंगे। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैंने 70 किया, लेकिन जाहिर सी बात अगर किसी ने 70 अटेम्प्ट किया है तो भाई 7 से 8 क्वेश्चन तो गलत भी जाने वाले हैं, ये भी बिल्कुल श्योर बात है। तो उसी आधार पर हम लोग जो है पूरी एनालिसिस किए हैं, हम किए हैं या और भी जितने भी लोगों से पूछ के पता लगा है, तो हम लोगों ने कट ऑफ एनालिसिस किया है। चले गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं चेक्सू जो है वो यूपी ट्रेड की जो है स्टडी गाइड लेकर आई है, जिसमें आपको 2 साल पेपर 2018 और 2020 के मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको 3,000+ जो है अध्यायवार जो है आपको प्रश्न भी इसमें मिल जाते हैं देखने को। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है कि किस सिलेबस से कितने नंबर जो है आ रहे हैं। आप नीचे देख पा रहे हो किस टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं, इसको भी आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं। ये बुक जो है आपको मार्केट में किसी भी दुकान से, नीचे लिंक दिया आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया, आप नंबर पर कॉल कर भी इस बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है, और साथ ही में अगर हम इसमें बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी इस बुक की बहुत ही अच्छे से दी गई है। साथ ही में अगर हम आपको बताएं तो इसके स्क्रीन पर जो है आपको ये बुक दिख रही है, इस बुक को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है, तो इन बुक को भी आप खरीद सकते हो। लिंक दिया है नीचे और नंबर दिया है नीचे, कॉन्टेक्ट करके जरूर ऑर्डर करें। ये तो बिल्कुल ही भूल जाइए कि मॉर्निंग शिफ्ट ईजी थी या शाम की शिफ्ट ईजी थी, इस पर तो डिबेट ही नहीं होना है। चलिए हम पहले कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। कट ऑफ जो हमने बनाया है, जो मेरी टीम ने बनाया है, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल कैंडिडेट अगर आप हो और आपके 55 से 60 नंबर के बीच में सही आ रहा है तो आप लोग मेन्स की तैयारी करिए। आपको कहीं भी इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से आपको पूछना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, लोग बता रहे हैं पेपर ईजी था तो 70 नंबर जो है कट ऑफ जाएगी, 75 जाएगी। भैया मेरे एक बात बताओ, इससे आपको सिलेक्शन होना है क्या? इससे ये आपका पीटी है, ये प्रारंभिक परीक्षा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ आपको एक क्राइटेरिया बताया गया है कि आप इसको जब पास करेंगे तो आप लेखपाल बनेंगे। तो यहां पर आपको बिल्कुल, अगर आपके 55 से 60 नंबर आ रहे हैं, यकीन करिए इस चैनल पर कभी इस चैनल की कट ऑफ गलत नहीं होती, मैं एक बार फिर बता देता हूं। तो इतनी नंबर ही आपकी कट ऑफ जाएगी। वहीं पर अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की भी इतनी ही जाएगी, 50 से 55। अगर जिनका महिलाएं हैं तो उनका भी इतना ही जाएगा, बस 1-2 नंबर का अलग फर्क आ सकता है, नहीं तो इतना उनका भी जाएगा। वहीं पर अगर हम एससी की बात करते हैं तो 45 से 50 और एसटी की बात करते हैं तो 30 से 45। देखो यार, कई सारे सब्जेक्ट थे, बहुत से बच्चे थे जिन्होंने हिस्ट्री खूब अच्छी की तो मैथ्स की डीआई उनकी गलत हो गई, कुछ लोग डीआई अच्छी किए तो उनका ज्योग्राफी क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब किसी का इकोनॉमिक गलत हो गया। तो गलत बहुत से हुए क्वेश्चन, बच्चों ने पेपर इजी देखा है, पेपर उन्होंने ज़्यादा टिक किए हैं। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब कट ऑफ आएगी तो आपको मैं बता दूंगा कितना क्या है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी के जितना ही ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ जाती है। ये हमने एनालिसिस किया है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत से लोग बताएंगे। हम कह रहे हैं आप खुद सोचिए, मान लो आप जनरल कैंडिडेट हो, आप 70 क्वेश्चन करके आए हो और कोई हल्ला कितना भी मचा लेना कि हम 90 करके आए, 92 करके आए हैं, ऐसे ही जब एनटीपीसी का पेपर हुआ तो लोग बता के आए कि 90-90 क्वेश्चन करके आए हैं, और जब ऑफिशियल आंसर की आ गई ना तो सभी लोग सिमट के 60 नंबर पे आ गए हैं। तो हम लोग बहुत पेपर देखे हैं, बहुत एनालिसिस किए हैं, खूब कट ऑफ बनाए और खूब कट ऑफ देखे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, 55 से
60 के बीच में अगर है आपका कट ऑफ तो ये क्लियर हो जाएगा। वहीं पर ओबीसी में अगर इतना नंबर है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का जो है ओबीसी के ही बराबर होता है। तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो, आप लोग अपनी तैयारी करो, इधर उधर नहीं सोचना, आंसर की 1 से 2 दिन में आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं यहां पर आपको बता दूं कि आप एग्जाम में 70 क्वेश्चन करके आए हो, ठीक है, एक्यूरेसी किसी की भी 100% नहीं होती। मान लीजिए किसी बच्चे ने 70 किया और बहुत अच्छे से उसने अटेम्प्ट किया, अगर 8 क्वेश्चन भी उसके गलत हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कितने क्वेश्चन उसके सही हुए, 62 ही सही हुए, फिर 8 क्वेश्चन में उसके 2 नंबर जो है घट जाएंगे तो 60 ही तो बचेगा, तो कोई भी नहीं है। तो ये कट ऑफ जो है बिल्कुल फाइनल है, मतलब फाइनल तो नहीं कहेंगे लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी लग रहा होगा कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा है, और जब प्रारंभिक परीक्षा है तो कोई फाइनल तो है नहीं कि उसमें मेरिट छांटी जाएगी, इसमें आपको सिर्फ पास करके आपको सेकंड फेज के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, बाकी इतनी ही, सब कुछ ठीक है, बाकी भगवान पर जो है विश्वास रखिए, भगवान अगर हम लोगों के साथ हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।